नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान सरकारी तथा गैर सरकारी इमारतों पर समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा ध्वज फहराकर सलामी दी गई। ललितपुर के घंटाघर चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत और सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में उन्होंने सनीचरा चौराहे पर पहुंचकर माला पहनाई। इस दौरान जिला अधिकारी योगेश कुमार शुक्ल, ADM, SDM, CO व आला अधिकारी मौजूद रहे। बाद में सभी ने अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचकर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस लाइन ललितपुर में पुलिस अधीक्षक कैप्टन MM बेग द्वारा ध्वज फहराकर सलामी दी गई। बाद में उन्होंने पुलिस बल को संबोधित करते हुए देश की रक्षा का संकल्प दिलाया। बाद में जनपद में कानून व्यवस्था एवं सराहनीय कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारी कर्मचारी जिन्हें DGP द्वारा प्रशंसा चिन्ह से सम्मानित किया गया था, उन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशस्ति पत्र व प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया गया और मिष्ठान वितरित किया गया। इस दौरान DGP प्रशंसा चिन्ह के सिल्वर से केशवनाथ, क्षेत्राधिकारी सदर ललितपुर श्याम नारायण सिंह, क्षेत्राधिकारी मेहरौनी फूलचंद्र, क्षेत्राधिकारी पाली, उपनिरीक्षक मनोज कुमार मिश्र, संबद्ध श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय झांसी, आरक्षी रवि कुमार शर्मा, संबद्ध श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय झांसी और आरक्षी चालक नफीस अहमद, संबद्ध श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय झांसी को सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ललितपुर में अपर पुलिस अधीक्षक ललितपुर डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह द्वारा ध्वजारोहण कर पुलिस बल को संबोधित किया गया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी युवजन सभा ललितपुर के जिला अध्यक्ष नेपाल सिंह यादव की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सुषमा दिलीप श्रीवास्तव पूर्व पार्षद नगर पंचायत तालवेहट की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अखिल लिटोरिया प्रधान राजपुर ब्लॉक तालवेहट की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। निवेदक अनिल लिटोरिया दादा राजपुर नंदनी। समाज सेवी पुनीत सिंह परिहार मोंटू भैया तालवेहट की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर तालवेहट की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पंकज श्रीवास्तव डायरेक्टर। श्रीमती रंजनी राघवेंद्र सिंह बुंदेला ग्राम प्रधान पूरा कला तालवेहट की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नगर पंचायत इंद्रगढ़ की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को शत-शत नमन और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से आशुतोष त्रिपाठी CMO नगर परिषद इंद्रगढ़। नगर पंचायत करेरा की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर शहीदों को शत-शत नमन और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से दिनेश श्रीवास्तव CMO नगर पंचायत करेरा। वन विभाग जखौरा की ओर से स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से राजेंद्र कुमार शुक्ला क्षेत्रीय वन विभाग अधिकारी जखौरा। समस्त देशवासियों को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संगठन जनपद ललितपुर इकाई उत्तर प्रदेश के जिला संयोजक राम गोपाल अहिरवार एडवोकेट ललितपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की सभी नगर वासियों को आशीष अहिरिया बाल्मीकि जिला अध्यक्ष समाजवादी लोहिया वाहिनी ललितपुर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी नगरवासियों और क्षेत्रवासियों को हरीश राय ग्राम प्रधान मसौरा खुर्द तथा अजय राय पावकारी ठेकेदार और विजय राय की ओर से